पूछिए ना, आपका मीडिया इसका मतलब क्या, जो मन करेगा वो पूछ लीजिए। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, तुम सच बता दो ना, मैं बस चला जाता हूँ। हाँ पूछिए ना। नहीं मैं जलाने के लिए आई हूँ, नहीं जलाने पर नमक छिड़कने के लिए आई हूँ। आने का उद्देश्य क्या बनता है यहाँ पर? मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। इंसाफ? कैसा इंसाफ? अभिषेक मैंने मरने से पहले बोला था अगर मुझे कुछ मुझे बोल रहे तो आप ही सच निकल के दिखा दो, जाके मीडिया वाले को वायरल कर दो। मैं कहाँ बचूंगी, जो कानून मुझे मैं बोल रही हूँ ना। अभिषेक का हत्यारा ओरिजिनल कौन है? मैं तो बुलाई थी, मेरी गलती है, मैं ये नहीं बोल रही थी। अभिषेक तुम घर आई हो, सच्चाई बताओ कि अभिषेक इस घर का चिराग था और चिराग बुझ गया? क्या तुम इस घर का चिराग जलाने के लिए आई हो या जले हुए पर नमक छिड़कने के लिए आई हो? नहीं मैं जलाने के लिए आई हूँ, नहीं जलाने पर नमक छिड़कने के लिए आई हूँ। आने का उद्देश्य क्या बनता है यहाँ पर? मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। इंसाफ? कैसा इंसाफ? अभिषेक मैंने मरने से पहले बोला था अगर मुझे कुछ हो जाए तो इंसाफ दिलाना। क्या उसी दिन के तुम इंतजार कर रही थी कि अभिषेक मरेगा तभी उसके घर जब मैं जानकारी दूँ? जो सवाल जवाब है वो पूछिए ना, आपका मीडिया इसका मतलब क्या, जो मन करेगा वो पूछ लीजिए। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, तुम सच बता दो ना, मैं बस चला जाता हूँ। पूछिए ना, सच बता दो ना कि आखिर हत्या कैसे हुआ है। हत्या कैसे हुआ मैं बता रही हूँ ना, अब झूठे बोल रहे तो आप ही सच निकल के दिखा दो, जाके मीडिया वाले को वायरल कर दो। वायरल तो हो ही रहा है। हाँ तो कीजिए। तो बच जाओगी? नहीं बचूंगी, मैं कहाँ बचूंगी, जो कानून मुझे मैं बोल रही हूँ ना। अभिषेक का हत्यारा ओरिजिनल कौन है? मैं तो बुलाई थी, मेरी गलती है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन जिसने काटा वो तो है ना, उसको दे सजा, फिर मुझे जो देगी सजा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे एक मैं सवाल किया था पिछली बारी में कि अभिषेक के घर में तुम आई हो, अभिषेक के घर वाले तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे, क्या समझ के इस घर में आकर बैठी हो? जो नाम होगा वही नाम से पुकारेंगे। कहीं वायरल होने के लिए तो ये सब नाटक तो नहीं है? नहीं नाटक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद प्रतीत हुआ है कि जो वायरल होने के लिए नाटक होगा वो यहाँ पे नहीं चलने वाला है। नहीं चलेगा तो मैं कहाँ वायरल होने के लिए नाटक बना रही हूँ। अभिषेक को तुम न्याय दिला सकती हो? जी दिला सकती हूँ। एविडेंस तुम या तुम्हारे पास कुछ छिपा हुआ है? कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। अभिषेक का कहीं जूता फेंका हुआ था? जी। पुलिस को मिला है? नहीं मिला है। कहाँ पर फेंकी थी जूता? जंगल में था। कितना बड़ा जंगल है कि वहाँ पर पुलिस को नहीं मिला? हमारे घर के जो उत्तर साइड में जंगल है वही ना, वहाँ तो पुलिस वाले प्रेस वाले गांव वाले पूरे छान मारे मोबाइल के चक्कर में, पर जूता नहीं मिला। वहीं पे टोपी और चश्मा मिला तो वहाँ से जूता क्यों नहीं मिला? टोपी चश्मा कौन फेंका वहाँ पर? छोटी वाली बहन। छोटी वाली बहन। और जूता कौन फेंका? वही फेंकी रूपा। हाँ नहीं वो फेंकी थी तो बोल रही थी तो मैं बताई थी। नहीं वो आप लोग थोड़ा सा तो छोटी वाली बहन रूपा फेंकी थी जूता। कहीं मिनटों मिनटों तुम्हारे दिमाग कुछ चेंजिंग तो नहीं हो रहा है ना? सच्चाई मजरा बता दोगी तो मुझे लग रहा है कि तुम बच जाओगी। यहाँ पे लोग बहुत बड़े दयालु हैं, तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी नहीं होने देंगे। अगर सच्चाई तुम नहीं बताओगी तो प्रशासन के लाश में हवाले कर ही देंगे। तो कीजिए ना, मैं कहाँ बोली, मैं मेरे साथ जो हुआ है मैं बता रही हूँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं छिपा रही हूँ। एकदम सच बोल रही हो? पिछली बार तुमने बताया थे कि 14 रोज में 10 रोज अभिषेक मुझसे मिल चुका है। जी ये लगा के 10 रोज नहीं 10-12 बार बताई थी। 10-12 बार? 14 रोज उसका आया हुआ हुआ था। 6 तारीख को आया और 25 का उसका हत्या होता है और 12 बार तुमसे मिल चुका रहता है, तो कब जाता है एग्जाम देने के लिए और कब आता है? तो ये 12 बार नहीं बोली थी, दिसंबर से लेके इस बार मिलाकर तब 12 बार बोली थी। गैप करके जाता था ये भी बोली थी। इन्हें हाँ 6 नवंबर को आया, 25 हो गया, इसी में 12 बार मिल गया। दिसंबर में 1 सप्ताह के लिए आया था, जो जनवरी में ही चला गया वो अभिषेक।
नहीं, नवंबर में सर दीदी के शादी में आया था, उसके बाद चला गया। जनवरी की फरवरी में गया था। इतना तुम्हें याद है? लेकिन अभी मैं क्वेश्चन किया था कि तुम आई तो सिर्फ बेहोश थी कि होश में थी? जब अपने घर से आई और गिरी तो यहाँ पे आई थी तो होश में थी कि बेहोश थी? तो तुमने बताया कि मुझे याद ही नहीं है। मीडिया वाले जब आए तो मैं होश में थी। और मीडिया वाला से आते क्या बताई? सच्चाई क्या है मेरे दोस्त और मजरा क्या है, ये आप देखकर प्रतीत कर सकते हैं कि ये प्यार है कि ड्रामा है कि नौटंकी है। एक तरफ से देखा जाए तो नाच की नचलिया से कम नहीं है, क्योंकि हर बात में उसको पलटते हुए देख रहे हैं और आप भी देखेंगे वीडियो में। क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है कि नाच की नचलिया से कम इसका प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो सच्चाई रूप से बताती, लेकिन सच्चाई रूप से अभी तक नहीं बता रही है। किसी चैनल पर कुछ बोल रही है, किसी चैनल पर कुछ बोल रही है, कभी दो बोल रही है, कभी तीन बोल रही है, कभी चार बोल रही है, और पूछने के बाद में झिझकती है क्योंकि इसको डर है कि अगर जबान अभी ना खुल जाए तो उनके प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि इसको प्रशासन के हवाले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सच नहीं बता रही है, जिसके कारण से इसके सहयोग करने के लिए कोई नहीं आएगा। एक तो अभिषेक चला गया, वो आने वाला है नहीं, लेकिन उसको ये एक मजरा बना रही है, एक प्रोग्राम बना रही है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है।